नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दो नक्सलियों ने बस्तर आईजी पुलिस विवेकानंद सिंह के सामने किया सरेंडर। महिला नक्सली मानको दुग्गा उर्फ देव की और लच्छू मरकाम उर्फ कमलेश ने आत्मसमर्पण किया। दोनों नक्सलियों ने सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर बस्तर आईजी के समक्ष किया। बस्तर आईजी ने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनको दी। 1,00,000 रुपए के इनामी थी परिडोवीर एलओसी सदस्य देव की और लच्छू मरकन के सर पर 5,00,000 का इनाम घोषित था। सीतापुर एलजीएस का था कमांडर। में बस्तर रेंज में नक्सली समस्या एक प्रमुख समस्या है और बेसिकली बस्तर को नक्सल समस्या के रूप में ही जाना जाता है और नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए लगातार यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास और लगातार काम किए जा रहे हैं और जिसके कारण आज हम ये स्थिति में हैं कि नक्सलियों को हम काफ़ी पीछे तक धकेलने में सफल हुए हैं। और अभी की अगर वर्तमान परिस्थिति को देखें तो हमारा पुलिस का और यहाँ पे जो भी सीएपीएफ तैनात है उनका नक्सलियों के ऊपर स्लाइटली एज हमारा बढ़त है उनके ऊपर। ये सभी लोगों के प्रयासों के कारण संभव हो पाया। पुलिस सीएपीएफ तथा यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया और इसमें मीडिया के साथ का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस और सीएपीएफ के द्वारा लगातार नक्सलियों के विरुद्ध एक तो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिसके कारण से बस्तर रेंज में सफलताएं मिली है और नक्सली पीछे हटने के मजबूर हुए। साथ ही साथ ग्रामीणों के साथ एक सतत संवाद बनाए रखने के लिए, एक जीवंत संवाद बनाए रखने के लिए मतदान पुलिस करके यहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जिसके तहत यहाँ की पुलिस और यहाँ पे जो बीएसएफ तैनात है उनके द्वारा गांव में जाके ग्रामीणों के साथ एक संवाद कायम करने का प्रयास किया जाता है और दिन भर गांव में बिताते हैं, ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू होते हैं और साथ ही साथ जो पुलिस से संबंधित समस्याएं होती हैं उनका निराकरण और जो अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको अन्य विभागों के माध्यम से उनका निराकरण का प्रयास करते हैं। और जो सामुदायिक पुलिसिंग के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं और बहुत सारे ग्रामीण जो पहले नक्सलियों की विचारधारा से प्रभावित थे उनका मोह भंग हो गया है और वहाँ से छोड़ करके शासन और प्रशासन की ओर आ रहे हैं और इसी ऑपरेशन और सामुदायिक पुलिसिंग का परिणाम है कि आज कांकेर पुलिस के समक्ष पुलिस अधीक्षक और यहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं पूरी पुलिस की टीम और जो बीएसएफ की टीम है उनके प्रयासों के कारण आज दो नक्सली महत्वपूर्ण नक्सली आत्मसमर्पण की हैं जिसमें एक मानको दुग्गा उर्फ देव की है जो कि पानी डोबीर एलओएस की सदस्य थी और बाद में सीएनएम की सदस्य जो कि रावघाट एरिया कमेटी में आता है। ये वर्ष 2009 से नक्सली संगठन में शामिल थी और करीबन 9 वर्षों तक इनके द्वारा नक्सली संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया गया, सदस्य के रूप में, पहले जेल मिनिस्टर के रूप में और फिर सीएनएम के सदस्य के रूप में और इसके द्वारा कई घटनाओं का अंजाम दिया गया और जो पूछताछ में अभी इन्होंने बताया है तीनों घटनाओं में ये शामिल रही जिसमें पंचायत चुनाव से लेकर कई सारे आईडी ब्लास्ट और मारपीट की घटनाओं में ये शामिल रही। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो शासन की जो राहत वो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर इसके द्वारा समर्पण किया है और इसको तत्कालिक रूप से 10,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राहत एवं पुनर्वास नीति में जो भी शासन की योजनाएं हैं और जो जो लाभ दिया जाना है इनको प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जो रावघाट एरिया कमेटी के अंतर्गत जो सीतापुर एलजीएस जो बनाने की प्रक्रिया में थे उसका जो कमांडर लच्छू मरकाम उर्फ कमलेश जो कि 303 राइफल ये साथ में रखता था और साथ ही साथ ये करीबन 19 वर्षों से लगातार ये नक्सली संगठन में काम करता था, ये बीजापुर का रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे मुनकिनार अटैक हो गया, इसके वाला रानी बोदली, इसके तो बहुत सारे जिसमें आईडी ब्लास्ट में बहुत सारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, बहुत सारे घटनाओं में करीबन 19 घटनाओं में ये शामिल रहा है अभी तक जो पूछताछ में बताया है।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी जो शासन की जो नीति है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से प्रभावित होकर और जो पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर इसके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है। इसको भी तत्कालिक रूप से 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है और बाकी अन्य जो सहायता या जो लाभ मिलना है इसको प्रदान किया जाएगा। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि कांकेर पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि कांकेर में बहुत सारे हिस्से जो नक्सल प्रभावित हैं और बहुत सारे जो हिस्से हैं जो नॉर्मल पुलिसिंग यहाँ पे किया जाता है, तो कांकेर में एक नक्सली समस्या एक चैलेंज है और जिससे इस चैलेंज को लगातार जैसे कई बार आपके माध्यम से अन्य लोगों के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पे पुलिस सफल नहीं हो रही है नक्सली समस्या के उन्मूलन में। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के पुलिस और यहाँ के BSF लगातार इस समस्या के उन्मूलन के लिए लगातार ग्रामीणों को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि नक्सली समस्या के उन्मूलन में केवल नक्सली को मारना ही एक हल नहीं है, परंतु अगर हम जो नक्सली संगठन में जो भी युवक या युवतियाँ काम करती हैं उनको अगर समाज की मुख्यधारा से हम जोड़ने में सफल होते हैं और साथ ही साथ अगर हमारी फोर्स अंदर जाके ऑपरेशन करके अपना बिना कोई नुकसान किए अगर वापस आती है वो भी एक सफल ऑपरेशन है और ग्रामीणों के साथ अगर संवाद कायम करने में सफल होती है, ग्रामीणों को अगर नक्सली विचारधारा से विमुख करने में सफल होती है वो भी एक सफल ऑपरेशन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांकेर पुलिस के द्वारा और यहाँ पे जो BSF तैनात है उनके द्वारा लगातार नक्सली समस्या के उन्मूलन में प्रयास किए जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज 2 प्रमुख नक्सली सदस्यों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक और मैं नहीं कह सकता, परंतु क्योंकि बीजापुर एक अति नक्सली संवेदनशील क्षेत्र है और उस क्षेत्र से माननीय मंत्री जी विधायक हैं और साथ ही साथ वहाँ जनप्रतिनिधि हैं और इसके लिए मतलब लगातार उनके ऊपर खतरा बना हुआ है और पहले भी कई बार इनके ऊपर अटैक हो चुका है। तो इसी सब को देखते हुए इनको विशेष कैटेगरी का सुरक्षा प्रदान की गई है और जब भी बीजापुर के प्रवास में रहते हैं तो जो स्थानीय स्थिति है उनके अनुसार उनकी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है। चूँकि जनप्रतिनिधि हैं और लगातार उस क्षेत्र में लोगों की समस्या उठाते रहते हैं तो निश्चय ही नक्सलियों के टारगेट में रहते हैं। क्या सर चुनावी क्षेत्र तो नहीं है? नहीं नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि थ्रेट है इसलिए इनको स्पेशल कैटेगरी मिला हुआ सुरक्षा का, परंतु अभी जो वर्तमान में किस लेटर का संदर्भ में चर्चा कर रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।